हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो चुका है, सो डोंट बी कंफ्यूज। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, एक नहीं दो स्टॉक से रिलेटेड बताऊंगा मैं आपको, एक दोनों के चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। और वो शेयर मैंने आपको इतने नीचे पे बताए थे इसलिए मैंने अभी आज वीडियो डाली है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पर आपको पता चल जाएगी किस तरीके से आपको चीजें चूज करनी है। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि आपको जो ऊपर आप फंस जाते हो ना और नीचे ले नहीं पाते, तो आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे दो स्टॉक बहुत नीचे आ गए थे ना, तब मैंने आपको कहा था कि खरीद लो, और ज्यादा टाइम भी हुआ, मुश्किल से एक दो से तीन या चार वीक हुए हैं। एक महीना मान लीजिए, एक महीने में 30-40% के रिटर्न आपको मिल गए हैं। ऐसे दो स्टॉक, इनसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। बट वीडियो की मैं आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और अगर बात करें यहाँ पर शेयर से रिलेटेड तो देख लीजिए, तो यहाँ पर अगर बात करें आज के दिन 16% मतलब 60 रुपए के आसपास ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। और मैंने यहाँ पर अगर बात करें, 1 month पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर ये शेयर चल रहा था, मैंने कि खरीदिए, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि खरीद लूँ, मैंने कि खरीद लो, कोई इशू नहीं है, ओके, कोई परेशानी नहीं होगी, बेहतरीन स्टॉक है, बट खुद की स्टडी कर लेना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 26% 30% मतलब 16% तो आज के दिन, और 10% यहाँ पर भागा था वो प्लस। मतलब इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न आपको अगर एक महीने के अंदर अंदर मिल रहे हैं, तो इससे देखिए और मैं ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे शेयर खरीद आपको बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी। हम मार्केट में डेली रहते हैं, हम मार्केट में स्टडी करते हैं, स्टॉक्स को देखते हैं, और हम उन स्टॉक को डेली वाइज एनालिसिस करते हैं। तब हमारी जो जितनी भी मोबाइल में वॉच लिस्ट हमने बना रखी है ना स्टॉक्स की, उन स्टॉक्स को हम डेली वाइज यहाँ पर देखते रहते हैं बीच बीच में, और यहाँ पर जब ड्यूरिंग द मार्केट देखते देखते उन्हें चेक करते रहते हैं, और फिर उसके बाद चार्ट पे हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये शेयर नीचे आ गया है या ऊपर आ गया है, इसके चांसेस कितने हैं। तो इसी तरीके से आप करोगे। इसके लिए देखिए, मार्केट में रहना, स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर ये वीडियो है, इसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कैसे आपको बॉटम पे खरीदना है, क्योंकि कई स्टॉक के ना एवरेज होता है, नीचे का एक बॉटम होता है, ऊपर का एक बॉटम होता है, उसी में घूमता रहता है और आपको अच्छा खासा गेन देता है। इसी बेस पे मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, और अच्छा खासा गेन एक महीने के अंदर अंदर 30% के गेन लगभग मिल रहे, तो क्या बुराई है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 418 रुपये शेयर आ गया, 175 रुपीज पर यहाँ पर ये शेयर चला करता था, ओके, मतलब इसका 52 वीक लो है, और 52 वीक आई 444 रुपये तक गया है ये दिसंबर में। आज के दिन की बात करें तो 4,30,000 शेयर लगभग 30% के शेयर यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 73% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है, बाकी FIIs ने ले रखे हैं। यहाँ पर देखिए सब डिवीजन भी हुआ है शेयर का, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, और इसलिए हम ऐसे शेयर लेते ही नहीं है कि जिसमें फंसने के चांसेस हो, ओके। शेयर का नाम क्या है, तो शेयर का नाम है DFM Foods, ओके। और दूसरा शेयर हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, चार्ट में ही बताऊंगा, बट उसे DFM Foods यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर वीडियो देखिए साक्षात 339 रुपये पे आपको शेयर बताया गया था, 418 रुपये पे शेयर आया, और ऐसा नहीं है मैंने ये पहले नहीं बताया, लगभग 200-250 रुपए पे शेयर चल रहा था, तब भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था, डबल यहाँ पर आपको गेन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और 339 से यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 30 अगर बात की जाए 30% के यहाँ पर गेन मिलते हैं। और देखिए 2nd of May मतलब आज फर्स्ट है, 29-30 दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो आपको बना के आपको बताया गया था, शेयर को देख लीजिए काफी नीचे टाइम पे आ गया है। अगर बात करें स्मॉल कैप है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता, बट अपनी स्टडी करिए, आपको लगता है अगर शेयर भागेगा तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टडी बताते हैं ना लोग कि थोड़ा इन्वेस्ट करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो, 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 500, मैं अब इसमें बिलीव नहीं करता, ऐसे कर करके बहुत पैसे मतलब कमाते कमाते रह गए हैं। अब अपनी स्टडी के हिसाब से ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है, बट अब आपको लग रहा है कि इसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, देन डू इट। मतलब ज्यादा फिर भी नहीं करना कि हाँ आपके पास 100 रुपए है तो 50 लगा दिए, नहीं, आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए लगा दीजिए, 20 रुपए लगा दीजिए, चलेगा, इतना कोई प्लेजिंग नहीं है। 63% के यहाँ पर डेट है, और कंपनी करती क्या है इस वीडियो
वीडियो को जाके इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए लाया हूँ कि आपको किस तरीके से नीचे शेयर खरीदने हैं, ऊपर यहाँ पर ऊपर आपको शेयर बेचने हैं, और जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको शेयर बेचना है, आपको रखना नहीं है, आपको दिल लगाना नहीं है, यहाँ दिल लगी नहीं करनी इन शेयरों से, यहाँ पर इनकी रेस्पेक्ट करनी है और यहाँ पर इनको खरीद के इन्हें बेच देना है, एज अ जैसे हम एक सामान को खरीदते हैं ऐसी शेयर को खरीदना है, बेचना है और रिस्पेक्ट करनी है, और बस इतना ही काम करना है। अपनी स्टडी की रिस्पेक्ट करनी है, उन शेयर्स की रिस्पेक्ट करनी है जो आपने लिए है, दैट्स इट। अगर बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पिछले 2 टाइम से, और बात करें अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट भी आने वाले हैं, शायद इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत हलचल हुई होगी। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है 2-3 साल से। बताया था यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं, उनकी ही ये कंपनी है, उन्होंने पूरी यहाँ पर कंपनी को एक्वायर किया है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब चीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपनी ने कर्ज लिया है, यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये CWIP का जब ये फिक्स एसेट में एड हो जाएगा तो मैं कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कर्ज अर्ज दिखाई दे रहा है। बट एक बार कंपनी और एक्सपेंड करेगी तो आपको भागती हुई दिखाई देगी। कैश अच्छा खासा 19 करोड़ रुपए का कैश, मतलब 1 साल में ही 3 से 4 गुना यहाँ पर कैश होता हुआ दिखाई दिया, और जो भी कैश है यहाँ पर बात करें सीधे यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाई देता है। अच्छी खासी ROC है, 73% प्रोमोटर्स के पास है, 0.04% यहाँ पर FIIs भी आ गए, देख लीजिए DIIs भी आ गए, 1% की हिस्सेदारी और बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर। और बात करें पब्लिक की, पब्लिक का थोड़ी सी हिस्सेदारी है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी ले रखी है। तो इस चीज को समझ के बिजनेस करोगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। और बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर जब ये शेयर चल रहा था, आपको चार्ट पैटर्न बना के, ये उसी टाइम का चार्ट पैटर्न है, मैंने डिलीट भी नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर बताया था ये शेयर इतना भाग सकता है, कितना भाग सकता है, इसका टारगेट आ रहा है 468 रुपए तक ये जा सकता है, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, गिरेगा। बट यहाँ पर ज्यादा दिल लगी नहीं करनी, जैसा कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यहाँ पर देखते हैं एक आध दिन में अगर ये लेवल को टच कर लेता है, ओके, 441 का जो हमारा टारगेट आ रहा है, जो इसका प्रीवियस हाई है, या फिर यहाँ पर 430 के आसपास 10-20 रुपए और बढ़ लेता है चुपचाप निकल के, मैं तो एटलीस्ट बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये शेयर है तो यहाँ पर बेच के मैं निकल जाऊंगा। तो ये इसकी टारगेट है, और टारगेट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, उसके लिए मेरी हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे ब्रेकआउट स्टेक शेयर आपको ढूंढने हैं, किस तरीके से आप RSI का फायदा उठा के यहाँ पर शेयर को परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अपने प्रोजेक्शन लगा के, स्पेकुलेशन ही है ये, ट्रेडिंग है, स्पेकुलेशन ही है, और आपको पता है आपको बस नीचे खरीदना है। अब कोई कहेगा कि मैं खरीदूँ तो मैं उससे कहूंगा भाई मत खरीद, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 24 के RSI पे चल रहा है, टॉप पर बैठा है, अभी मत खरीद, क्योंकि अभी कोई भी खरीदेगा ना, शायद देखिए थोड़ा बहुत भाग लेगा, गाली दे देगा कि हाँ भाई मेरे से 4-5% रह गए, कोई बात नहीं, 10% 20% इनसे रह जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, बट हमने यहाँ पर खरीद के हमने कितने परसेंट का यहाँ पर गेन लिया है वो देख लीजिए ना, हमने यहाँ से खरीद के यहाँ पर लगभग 30% का गेन ले लिया है। तो 30% का गेन आपको अगर 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है तो कोई बुरी ही बात नहीं होती, ओके। और यहाँ पर आपको 1 महीने में मिल गया, 6 महीने की भी बात नहीं कर रहा, 1 महीने में लीजिए और रखिए और खत्म करिए सिंपल बात को। इसलिए यहाँ पर नहीं, दोबारा ये शेयर फिर कंसोलिडेट करेगा, रिजल्ट आ जाएंगे, थोड़ा सा इसके चांसेस और है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, इस लेवल को टच कर ले और फिर उसके बाद इस लेवल को टच कर ले, बट उसके बाद उसे नीचे आना है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाती है उसे नीचे आनी होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, न्यूटन्स लॉ भी है। अगर बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए दूसरे शेयर की, तो यहाँ पर अगर बात की जाए SIS लिमिटेड कहाँ खरीदवाया था, यहाँ पर खरीदवाया था, वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरी चैनल पर जाएंगे SIS लिमिटेड इन्वेस्ट फॉर एवर लिखेंगे, पहले पुराना नाम बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार था वो लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगी कि ये शेयर मैंने यहाँ पर खरीदवाया था और आज की डेट में कितने परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शेयर उठाए थे, ओके, और यहाँ पर आज की डेट में क्लोज हो रहा है यहाँ पर, और 2 दिन पहले अगर रख लेता, 2 दिन पहले की अगर बात करें तो 28% के रिटर्न आपको कितनी दिन में मिल रहे हैं, कितने दिन में मिल रहे हैं, यहाँ पर ये शेयर कितने कब था, 28th of April, ओके, मई पूरा निकल गया, मतलब 1 महीने 2-3 दिन एक्स्ट्रा, बस 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लगे और ये शेयर आपको 30% के रिटर्न दे दिया है 1 महीने के अंदर अंदर। इस तरीके से आप काम करो,
पैसा कम चलेगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए स्टडी करनी बहुत जरूरी है। मार्केट में सुबह उठ के आपको चार्ट देखना जरूरी है, और आपको मार्केट सुबह ही नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी स्टडी करिए और चुपचाप दिन भर रेस्ट करिए। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, बट यहाँ पर अपनी स्टडी करके अच्छे अच्छे शेयर्स को नीचे खरीदने की कोशिश करो, ऊपर की नहीं। आप कोई कहेगा मैं यहाँ खरीद लूँ, तो मैं उसे कहूंगा भाई अभी रुक जा, अभी मत खरीद, क्योंकि अभी RSI वगैरह सब ऊपर है, यहाँ पर अब लोग बेचने को तैयार है, यहाँ पर खरीदने को नहीं। और यहाँ पर इसका टारगेट, वैसे अगर बात की जाए पोजीशन, अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर अभी भी खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 30% की अपसाइड, 30-40% की अपसाइड मुझे साफ दिखाई दे रही है। तो SIS एज वेल एज कौन सा DFM फूड्स, यहाँ पर सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई है। हमारे चैनल पे जाना, यहाँ पर या फिर सर्च कर लेना इन्वेस्ट फॉर एवर, या फिर बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार के नाम से पुराना था, तो वहां पर DFM फूड्स डाल देना तो आपको पता चल जाएगा, या फिर हमारी इस वीडियोस में नीचे जाना तो आपको पता चल जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर वीडियो ही आई है, तो इन्हीं शेयर से रिलेटेड, यही स्टडी से रिलेटेड आपको बतानी थी। यहाँ पर देखिए 15 मिनट का वीडियो डेफिनेटली बनाए, ओके बेशक से कम लोगों ने देखा है, बट जो यहाँ पर रह के जो इस वीडियो को डेली वॉच कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं किसी तरीके की कोई डिमांड डिमांड नहीं है जिस तरीके से लोग करते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल यहाँ पर आप वीडियो बनाई जाती है, ओके, और मैं बिना उसके किसी भी तरीके के प्राउड के, बिना की ईगो के, जस्ट सिंपल मैं भी स्टडी करते रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं आपके लिए अच्छे स्टॉक लाऊं, और वो मैं लाता हूँ अपने तरीके से और आपको बताता हूँ। और कुछ स्टॉक होते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, और कुछ स्टॉक होंगे वो कंसोलिडेशन से जिस दिन निकलेंगे ना, उस दिन आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए वीडियो, बहुत डेली बेसिस पे वीडियो आती है, देख लीजिए उन्हें, आपको पता चलेगा कि हाँ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है फिर बढ़ेंगे, या फिर ऑलरेडी पुराने जो शेयर 1 महीने 1.5 महीने पहले बढ़ाया वो 30-30% बढ़ गए। इस तरीके से आपको मिलती हुई वीडियो मिल जाएगी। देखना शुरू करिए, स्टडी करना शुरू करिए, सारी वीडियो को ओल्ड वीडियो पे यहाँ पर जाइए, शॉर्ट करिए यहाँ पर वीडियो को, ओल्ड वन एक एक करके वीडियो को देखना शुरू करिए, और पता चलेगा कि आप को किस तरीके से आपको स्टॉक की नॉलेज आ जाएगी। 1 साल पहले चैनल बनाया था, आज की डेट में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे शेयर खरीदवा यहाँ पर बताए गए, आप लोगों ने खरीदे भी होंगे और आप लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी लाइए, उन्हें भी कहिए सीखो इनसे, और सीख के फिर पैसे ही लगाओ और पैसे लगा के पैसे कमाओ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।